टिक्की आ गई बटर की, ये देखो पांचवी टिक्की बटर की आ रही है इसके अंदर, और साथ साथ इसके अंदर चीज भी लगाया जा रहा है यार। भैया एक हमारे बर्गर एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, अब भैया इन्हें पलट रहे हैं एकदम गोली की स्पीड से। भाई स्पीड चेक करो एक बार काम, भाई बहुत गर्म है बर्गर, एक बार फिर आप लुक देख लो। चलो इसका चीज़ पुल करके देखते हैं, मैं घूम करके दिखाऊंगा आप लोगों को अपना बर्गर। ये है मेरा बर्गर, डबल चीज बर्गर। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वी आर बैक विद आवर न्यू वीडियो। सो गाइस गाजियाबाद की स्ट्रीट फूड सीरीज़ में अब हम आए हैं मुस्कान स्पेशल हॉट डॉग पे। अब मेरे सामने आप लोग भीड़ देख ही सकते हैं भाई, कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ खाने के लिए आते हैं। और भाई कम से कम हम यहाँ पे 5 से 6 बार पूछे जा चुके हैं, जो यहाँ का ओनर है भाई थोड़ा सा रूड है, तो उन्होंने हमें बोला कि शाम के 5 बजे आना, और फिर भी हम थोड़ा जल्दी आ ही गए, 4:45 हो ही गए हैं। और अभी हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से ही हमारा शायद आज का लास्ट वीडियो होगा, वरना हमें थोड़े से वीडियोज़ और शूट करने थे। चलो यार आपको इसके मुस्कान स्पेशल हॉट डॉग बर्गर की मेकिंग दिखाता हूँ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट सबसे पहले हमारे बर्गर यहाँ पे, भैया बर्गर की जो मैन्युफैक्चरिंग है आपकी अपनी है? नहीं बनवाते हैं ये। बनवाते हैं, हमें कोई बता रहा था ये आपका ब्रांड है मतलब मुस्कान? मुस्कान के नाम से ही बनवाते हैं। अच्छा कुलचे वुलचे वगैरह भी आते हैं क्या इसके? हम सुबह छोले कुलचे वाले गए थे, उसने बताया हमें। उसके बाद भी आपके उस वो भी आपके मुस्कान के छोले कुलचे यूज़ कर रहा था, मैंने जाके पूछा उनसे तो कह रहा कि हाँ भाई ब्रांड है, वो तो बहुत फेमस है, बहुत फेमस ब्रांड है मुस्कान, और पूरा यूपी दिल्ली सब जगह जाता है, यूपी दिल्ली बिहार हर जगह। रस भी बनाते हैं ये, नमकीन भी बनाते हैं, रस नमकीन सब सब कुछ बनता है। मतलब गाजियाबाद का एक नंबर बन जो है वो मुस्कान का ही है, गाजियाबाद का एक नंबर बन, सबसे बढ़िया बनता है, सबसे महंगा है और सबसे बढ़िया है। तो अंकल कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए? 14-15 साल। और स्टार्ट किसने, आपने नहीं करा था ये कि आपके फादर ने? आपने ही करा था। तो शुरू से ही सेल ऐसी थी या मतलब बाद में? शुरू से तो बहुत थोड़ा स्ट्रगल थोड़ा करना पड़ा होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, बहुत स्टार्ट, मेहनत के बिना क्या ही होता है। अच्छा भैया दो डबल लगवाए, लगाओ गाइस। हमारे बर्गर स्टे में लगना शुरू हो गए हैं और यहाँ से हमारे स्पेशल मुस्कान बर्गर की मेकिंग शुरू हो जाएगी। गाइस ये चेक करो, लगभग 30 के अंदर बर्गर लगेंगे, 30 बर्गर 30। भाई स्पीड देखो भैया कि एकदम गोली के रफ्तार से काम हो रहा है यहाँ पे। मेरा फ़ोन जो है भाई एकदम बटरी बटरी हो गया है, यहाँ पूरा डिस्प्ले में बटर बटर लग गया है। स्पीड चेक करते जब भैया की काम करने की। गाइस पूरी ट्रे भर गई है, देखो 30 बर्गर हैं इसके अंदर। बस चटनी चलाना भैया, क्या भाई ये सुबह चटनियाँ लगाना शुरू हो गई भाई, ये देखो 30 बर्गर की बस चटनी लग रही है आज। मुर्जा की शॉप टाइमिंग्स हैं वो है भैया, शॉप टाइमिंग्स क्या है यहाँ की? सुबह 10:30 बजे से शाम रात को 10:30 तक, सुबह 10:30 से रात में 10:30 तक, ठीक है भैया। भैया दो दे देना चीज़ भाई, बहुत फेमस शॉप है इनकी गाजियाबाद की, और जो गाजियाबाद में रहते हैं उन्होंने तो एक ना एक बार इसका बर्गर जरूर ट्राई करा होगा, हम लोग कितने दूर से आए हैं बर्गर ट्राई करने। भाई ये आ गया हमारा मसाला, बर्गर के अंदर जाएगा पेस्ट बोल सकते हो आप इसे, थोड़ा बताओ गरम करोगे ना? बस गरम तो ये करूंगा, हमारा जो पेस्ट मिलेगा बर्गर के अंदर वो रेडी हो रहा है। भैया कैसे बनता है पेस्ट थोड़ा बताओगे? क्या चीज़ बताओ? प्याज डालते हैं, धनिया डालते हैं, ये पेस्ट आलू का होता है। और कौन सी सब्जियां डालते हैं इसके अंदर? शिमला मिर्च, इसमें बटर डालोगे अभी इसके अंदर? भाई कितनी टिक्की? एक टिक्की पूरा? हाँ जी भाई साहब डाल रहे बटर डाल रहे हैं भाई। तो यार हमारा जो पेस्ट है गर्म हो गया और अभी इसके अंदर भाई टिक्की आना शुरू हो गई भाई, पूरी टिक्की जाएगी अभी इसके अंदर, भाई गई टिक्की जो ना गई बैस पानी में, गई टिक्की पेस्ट में टिक्की, टोटल 7 से 8 बटर की टिक्की डलती है इनके एक बटर एक बर्गर के अंदर, 6 बाहर डलेंगी और एक इसमें डली है, मतलब एक सेट ऑफ बर्गर में, बर्गर के लॉट में, हाँ एक सेट ऑफ बर्गर में।
ना बस और कुछ नहीं ना है, एक और है, क्या है उस पर तवे पे लगते हुए हरी हरी वाला बहुत मज़ेदार हो गया भाई यार। सुबह से हमने बहुत अच्छा कंटेंट कवर करा गाज़ियाबाद में और भाई मज़ा आ गया। तो भाई जी हमारा पेस्ट एकदम गर्म हो गया है, उसके अंदर बटर की टिक्की भी मेल्ट हो गई है, तो अब ये इसके अंदर डालना शुरू हो जाएगा। भाई आगे हमारा प्याज और धनिया हमारे बर्गर के ऊपर लगने के लिए, बर्गर पर लगेगा। भाई थोड़ी सी डालो भाई, थोड़ी सी धनिया आ गई इसके ऊपर और भैया इसे हमारे बर्गर के ऊपर डालना स्टार्ट करेंगे। भाई जो मुस्कान बर्गर है सबसे फेमस बर्गर की शॉप है गाज़ियाबाद के अंदर। भाई काम करने की स्पीड देखो, एक बंदा यहाँ पे लगा रहा है मसाला इसके ऊपर और दूसरे हाथ में साथ ही साथ में प्याज भी लगते जा रही है। काम कर ही लेगा हम भी बेरोजगार है भी, हमें भी काम मिल जाएगा हाँ जी इसके ऊपर आ गया टमाटर और भैया काम करने की स्पीड देखो, एक मिनट में इन्होंने प्याज धनिया टमाटर सब लगा डाला बर्गर के ऊपर। भाई ये आगे पनीर के पीस भी एक हाथ से लगा दो, ये लग रहा पनीर, ये कौन से भैया पनीर वाले बन रहे हैं अभी अच्छा सबके अंदर डलती है और चीज़ इसके ऊपर से आएगा, अच्छा चीज़ डाल के फिर सिकेंगे ये बटर के अंदर, एक बंदा लाया जाएगा इन्हें। चाट मसाला है क्या भैया? चाट मसाला, स्पेशल मसाला तो नहीं बोलते आप इन्हें? मैं जाता हूँ कुछ जगह वो चाट मसाला को बोलेंगे स्पेशल मसाला, मैजिक मसाला। गाइस ये अब नींबू निचोड़ा जा रहा है हमारे बर्गर के ऊपर, बर्गर बोलना गलत है बर्गर्स बोलना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में है ये, और मेकिंग तो बहुत शानदार हुई है इसकी। नींबू हो गए इन पे, सबके ऊपर नींबू आ रहा है ना, नींबू ना हुआ बहुत गजब है, बहुत गजब। कितने साल पुरानी दुकान है भैया ये आपकी? 16 साल हो गए आप तब से ही, मतलब 16 साल से ही काम करने के अभी आए हैं? अच्छा आप लगाओ शुरू हो गए। हमारे बर्गर पैक होना शुरू हो गए हैं, पैक का पैक से मेरा मतलब है कि इसको पूरा रेडी कर दिया गया है, हाँ मतलब ढक्कन लगाया जा रहा है भैया, अरे ढक्कन लगाया जा रहा है इसके ऊपर और इसके बाद ये सिकने जाएंगे तवे के ऊपर। आपको कैसा लगता है यहाँ का बर्गर, आपने करा ट्राई कभी? आपको तो अच्छा ही गाइस ये देखो 30 बर्गर हमारे बन के रेडी हो गए हैं, एक लाइन में 1 2 3 4 5 ही हैं और 6 लाइनें लगी हुई हैं, तो भाई 5 × 6 30 होता है, तो 30 बर्गर हमारे रेडी हो गए हैं गाइस। हमारे 30 बर्गर का भाई, हाँ भाई ले रहे हैं क्या? तो गाइस हमारा 30 बर्गर का स्लॉट आ गया है, वो आपको पीछे दिख रहा होगा, अब यहाँ पे बर्गर लगना शुरू हो गए हैं और इससे पहले यहाँ पे 30 बर्गर अभी लगे थे भाई, एकदम गोली की रफ्तार से बर्गर बन रहा है यहाँ पे और गोली की रफ्तार से बिक भी रहा है। दिस इज़ द मोस्ट फेमस शॉप, दिस इज़ द मोस्ट फेमस बर्गर शॉप ऑफ गाज़ियाबाद एंड दे आर फेमस फॉर देयर बर्गर्स हॉट डॉग्स। और इतनी इंग्लिश मैंने बहुत सोच समझ के बोली है, बहुत देर से मेहनत कर रहा था मैं इस चीज़ के लिए। हाइट लंबे हैं तुम्हारी, सही आ रहा है। तीन 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 डालो,
लो भाई साहब 8 पैक पैक करो भैया के, दो सिंगल भैया के पैक करो भाई, जो पूरा सर्कल बना देंगे इससे बर्गर पे। लो जी भाई ये देखो टाइमिंग सर्कल बना दिया उन्होंने बर्गर का, तीन पैक आप ले लो, एक हमारा है भैया के, दो और पैक कर सामने वालों भाई। जब पूरे 30 के 30 बर्गर हमारे इसके तवे के ऊपर आ चुके हैं और बस दो बर्गर और बचे आने के लिए, बाकी फिर 30 बर्गर जो है कम्प्लीट हो जाएंगे यहाँ पे भाई। पूरे सारे बर्गर आ चुके हैं यहाँ पे, अब इसके अंदर जाएगी हमारी न्यूट्रलाइट की टिक्कियाँ भाई। एक टिक्की हमारे मसाले के अंदर गई थी और कम से कम 6 टिक्की इसके अंदर जाएगी मसाले बटर की भाई। जो देखो गई पहली टिक्की इसके अंदर, ये दूसरी टिक्की, और भाई हो गए। तो गाइस ये हमारे बर्गर फ्राई हो रहे टिक्की के, अमूल टिक्की के अंदर। क्वांटिटी चेक करो बर्गर की, मुझे कमेंट करके बताओ आप मैक्सिमम कितने बर्गर खा सकते हो भाई। उज्जवल तो कह रहे हैं मैं सारे खा जाऊंगा यार, 30 के 30 बर्गर मैं खा जाऊंगा। 100 खाऊंगा, 100 खाएगा, बैठा रही हो फिर टॉयलेट में। इन सबको देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा है, पर सुबह से इतना ज़्यादा खा चुका हूँ आज मैं कि मेरा पेट एकदम भर चुका है। भैया एक हमारे बर्गर एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, भैया इन्हें पलट रहे हैं एकदम गोली की स्पीड से भाई। स्पीड चेक करो पर काम करने की, इससे पता लग रहा है भाई कितना एक्सपीरियंस है इन्हें काम करने का। भैया दिखाते हैं भैया की शक्ल, फेसरी भी लोगा भैया का भी, इतना सीरियस होकर काम कर रहे हैं। काम सीरियस को भी किया जाता है, इतना नहीं हंसी मजाक में काम हो रहा है। वही तो करते हैं गाइस। ये आ गई चौथे भाई, भैया कितने टिक्की डालोगे इसके अंदर अभी? और चौथी टिक्की आ गई बटर की, ये देखो पाँचवीं टिक्की बटर की आ रही है इसके अंदर, और साथ साथ इसके अंदर चीज भी लगाया जा रहा है भाई। प्राइस क्या है अंकल इस बर्गर का? 50 वाला चीज का, विदाउट चीज 40 का है, डबल चीज 60 का है, डबल चीज 50 60 60 गाइस ये बस चेक करो भाई, पूरा तवा एकदम बटरी बटरी हो गया, मतलब इतनी प्यारी स्मेल आ रही है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है हमारे को बटर की भाई, उसमें बता नहीं सकता भाई। हमारे बर्गर एकदम फ्राई हो रखे हैं इसके अंदर, और ये साथ साथ में से चीज़ भी लगाया जा रहा है। हेलो, सारे चीज़ ही बर्गर बनने वाले हैं हमारे, और बहुत ज़्यादा चीज़ और बहुत ज़्यादा बटरी होने वाले हैं मेरे ख्याल से। तो लुक एट दिस, हेलो गाइस दिस इज अमेजिंग भाई, इतने बल्क में बर्गर बनते हैं मैंने तो आज से पहली बार कभी नहीं देखा। अरे बट हाई मैंने बोला परमानेंट कर दिया ना। तो भाई जी हमने लिया अपना डबल चीज़ बर्गर, एक स्लाइस इसके अंदर चीज़ की पहल से थी और एक स्लाइस अंकल जी ने बाद में डाल दी इसके अंदर, और अभी तवे पे आ जाएगा ताकि ये मेल्ट हो जाए थोड़ा सा चीज़ इसके ऊपर। और ये जो ऑड वन आउट आपको हमारा बर्गर अलग से दिख रहा है भाई, वो हमारा बर्गर है, वो रहा मैं जूम करके दिखाऊँगा आप लोगों को अपना बर्गर। ये है मेरा बर्गर, डबल चीज़ बर्गर। और गाइज यहाँ पे एक दिक्कत हो गई क्योंकि उज्जवल फूड यहाँ पे पहुँच गया चाय पीता हुआ और मेरे फ्रंट कैमरे पे एकदम बटर लग गया भाई, पूरा बटरी हो गया मेरा फ्रंट कैमरा, और बैक कैमरा पे एकदम बटरी हो रहा है, बार बार मैं साफ करूँ अपने फ्रंट कैमरे को। मेरे लिए जहरीले क्या आया, तेरी झूठी पीऊँगा जहरीले चलो यार मैं आपको बर्गर की मेकिंग दिखाता हूँ, इसकी फालतू बातें क्या सुनने। भाई जी हमारा चीज़ लगने से शुरू हो गया है, लाओ दो। तो भाई जी हमारा बर्गर रेडी हो गया, मैं इसे बर्गर टेस्ट करके बताता हूँ भाई, बहुत गर्म है बर्गर, एक बार फिर आप लुक देख लो। चलो इसका चीज़ पुल करके देखते हैं, डबल चीज़ बर्गर लिया हमने तो, और इसको टेस्ट भी करते हैं, कट के बैठे
सो गाइस चलो इसकी टेस्टिंग करना शुरू करते हैं। हम थोड़ा वहाँ से दूर आ गए भाई, वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो मैं एक बार आपको इसको बर्गर को खोल के दिखाता हूँ अंदर से इसकी फीलिंग। भाई बहुत गर्मा गर्म बर्गर है ये, देखो एकदम चीज़ी बर्गर, बढ़िया चीज़ फुल भी आ रहा है इसके अंदर भाई। ये देख लो इतना चीज़ी है कि साइड से इसका चीज़ निकल रहा है, टमाटर ने डाल रखा है। ये इनका आलू का पेस्ट है जो आप अभी हमने आपको अंदर दिखाया था, ऊपर पूरा चीज़ से ओवरलोडेड है। और भाई बाकी सब्जियाँ डाल रखी हैं इसके अंदर, मैंने आपको पूरी मेकिंग दिखाई थी अभी। सो गाइस बहुत ज़्यादा बटरी है ये, और वहाँ पर खड़े खड़े मतलब बटर की जो स्मेल थी भाई हमारे सर पर चढ़ रही थी, और बार बार जो हमारा कैमरा था एकदम बटरी हो जा रहा था, बार बार वीडियो पॉज करके हमें कैमरा पहले साफ़ करना पड़ रहा था। चलो यार बहुत बातें हो गई, एक बार इसका टेस्ट लेके देखते हैं। गाइस दिस इज़ द बेस्ट बर्गर आई हैव एवर ट्राइड। भाई मतलब बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आपको भाई, एकदम चीज़ी है। देखो चीज़ बाहर निकलना चाह रहा है इसके, इतना ओवरलोड है चीज़ से। दो टिक्की इसके अंदर चीज़ की गई थी भाई, कम से कम 7 से 8 टिक्की बटर गया था इसके अंदर, और इतना क्रंची हो गया है ना भाई, सब कुछ फेले इस बर्गर के आगे। आप एक बार ही बर्गर खा लोगे, वन बर्गर इज़ इनफ फॉर वन पर्सन। भाई मैं इतनी इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा दोस्त आ रखा है मुंबई से, वो मुझे सिखा रहे हैं इंग्लिश। चलो यार इसके एक और बाइट लेते हैं। भाई जो इनका पेस्ट है ना भाई, नेक्स्ट लेवल चीज़ है, नेक्स्ट लेवल। भाई मैंने दिल्ली में ऐसा कुछ ट्राई करा है भाई, बहुत गजब का टेस्ट है, मतलब मज़ा आ गया। साइड से पेस्ट निकल रहा है, पर पेस्ट ही जो पेस्ट है इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। सो भाई जो इसका टेस्ट है भाई, हर चीज़ एक A1 क्लास की है, मज़ा आ गया। उन्होंने न्यूट्रीलाइट के बटर डाले हैं इसके अंदर 6 से 7 टिक्की, भाई बहुत क्रंची है, पेस्ट भी अमेजिंग है भाई, गजब का टेस्ट है। तो अब देते हैं इसको उज्जवल को, उज्जवल फूडी से ट्राई करेगा, और हम देख एक और बार जो है नॉर्मल बर्गर लेते हैं इनका पनीर वाला, उसको ट्राई करते हैं, और फिर भाई देखते हैं आज हमें यहाँ पे क्या ट्राई करना है, घर वापस जाना है। चलो यार चलते हैं। सो गाइस ये है हमारा नॉर्मल बर्गर जिसके अंदर कोई चीज़ नहीं डाला हुआ, एक बार इसकी भी फीलिंग देख लो आप भाई। इसके अंदर पनीर डाल रखे हैं, हमारा पनीर वाला बर्गर है, और ये इसके अंदर बाकी सब्जियाँ जो उसके अंदर सेम बर्गर के अंदर थी, बिल्कुल सेम सब्जियाँ इसके अंदर हैं, और पनीर तो बीचों बीच है, तो उसको एक बार यहाँ पर रख लेता हूँ जहाँ से मैं बाइट लूँगा। चलो यार एक बार इसकी बाइट लेकर देखते हैं। जो हमारे दोनों बर्गर थे, इससे पहले मैंने चीज़ बर्गर ट्राई करा था डबल चीज़, और ये हमारा नॉर्मल बर्गर है पनीर वाला, तो दोनों का टेस्ट है भाई ऑलमोस्ट सेम है, बस इसके अंदर चीज़ का टेस्ट नहीं है, उसके अंदर चीज़ का फ्लेवर बहुत ज़्यादा आ रहा था, बाकी टेस्ट जो है बिल्कुल सेम है भाई। इसका प्राइस भी जो है 50 रुपये है, और जिससे पहले हमने बर्गर ट्राई करा था उसका प्राइस भी जो है वो 50 रुपये था। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।